बरसों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए खरगोन में आज भी हर साल भुजरिया पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भी पर्व को लेकर समाजजनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह पर्व खास तौर पर श्रावण मास की अंतिम तिथि और रक्षाबंधन के अगले दिन मनाया जाता है। गणगौर की तर्ज पर यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भव्य शोभा यात्रा निकालकर समाजजन माता के ज्वारों को नदी में विसर्जित करते हैं। इस साल यह पर्व 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अगले दिन यानी 31 अगस्त को खरगोन बड़वा और महेश्वर में क्षत्रिय समाज द्वारा मनाया जाएगा। बता दें कि पर्व के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने वाले अखाड़ों में एक महीने पहले से ही प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। वहीं 8 दिन पहले समाज के हर घर में बांस से बनी टोकरियों में गेहूँ के ज्वारे बोए जाएंगे। अगले 8 दिनों तक इन ज्वारों का पूजन होगा। 9वें दिन माता स्वरूप ज्वारों का विसर्जन कुंदा नदी के तट पर किया जाएगा। बताया जाता है कि भुजरिया माता का यह पर्व खास तौर पर बुंदेलखंड और महाकौशल में मनाया जाता है। पृथ्वीराज सिंह चौहान और अलाउदल के समय से यह परंपरा चल रही है, जिसका निर्वहन खरगोन में आज तक निरंतर चल रहा है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन। भुजरिया पर्व जो है श्रावण मास के अंतिम तिथि रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है, और यह यहाँ के जितने भी क्षत्रिय समाज हैं वो सब इसे मनाते हैं। किस तरह से मनाते हैं त्यौहार? भुजरिया पर्व के लगभग 8 दिवस पूर्व यहाँ टोकली में, जो छोटी टोकली होती है उनमें गेहूं के ज्वारे बो के उनके 8 दिवस तक उनका सिंचन होता है, और उसके बाद में उसका पूजन वगैरह करके राखी के दूसरे दिन उनका विसर्जन किया जाता है। उन जवारों को, कुछ जवारे टोकली से ला के उनको अपने बड़े बुजुर्गों को पहले भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद में फिर अपने बड़े बुजुर्गों को फिर अर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये एक मिलन समारोह के रूप में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। कितने सालों पुरानी परंपरा है, कब से मनाई जाती है? यह परंपरा तो लगभग 1100 ईस्वी के से भी पहले की है, जब पृथ्वीराज चौहान और अलाउदल के काल से, या उनके समय से अपन बोले, राजा भोज के समय से बोले, चंदेल राजा थे एक परमाल, उनके समय से यह पार्टी चली आ रही है। क्या उद्देश्य क्या रहता है इसके, क्या मान्यता है? यह त्यौहार एक तो शौर्य का प्रतीक है, परंपरा है पुरानी, शौर्य का प्रतीक है और बलिदान का प्रतीक है, उस समय से चली आ रही है। और वैसे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पूर्वज मनाते आए हैं उसी तरह से हम भी मना रहे हैं। ये समाज के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े डीजे और अखाड़ों के साथ एक शोभा यात्रा के रूप में निकलते हैं समाज के मंदिर से, और उसके बाद में पूरा चल समारोह के रूप में नदी तक, कुंदा नदी तट तक जाते हैं और वहाँ जवारों का विसर्जन करते हैं। बताते हैं कि इससे कुछ बेटी का भी संबंध मिलता है? हाँ, बहन बेटियों के स्वरूप में इन्हें माना जाता है, और जिस तरह से हम राखी के बाद में बहनों की विदाई देते हैं उसी तरह से भुजरिया पर्व भी उसी के रूप में मनाया जाता है कि एक बहन बेटियों को विदा कर रहे हैं। खरगोन में कितने समाज के लोग हैं जो इसको मनाते हैं? खरगोन में गडरिया समाज, रघुवंशी समाज, भावसार समाज, रजक समाज, प्रजापति समाज और भी कई समाज हैं, मारू समाज, दांगी समाज, ये सारे समाज जो हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। खरगोन के अलावा और भी कई शहरों में मनाया जाता है? खरगोन के अलावा ये अधिकतर तो ये बुंदेलखंड से है, बुंदेलखंड, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, महाकौशल में ये त्यौहार को बहुत अधिक रूप से मनाया जाता है। इस बार कैसी क्या तैयारी है? तैयारी तो लगभग एक महीने पूर्व से चालू हो जाती है, अखाड़ों की तैयारी चलती है, और जो जवारे का जो बोने का काम होता है वो 8 दिन पूर्व ही होता है।